बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी परफेक्ट शब्द का यूज होता है तो सबसे पहले नाम अभिनेता आमिर खान का आता है, जिन्होंने हर तरह की फिल्म मेकर इंडस्ट्री में बतौर सुपरस्टार अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पर इनके अलावा बॉलीवुड में कई सुपरस्टार अभिनेता हैं जो आज काफी मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो सभी अभिनेता आज अगर सुपरस्टार बन पाए हैं तो केवल आमिर खान की गलतियों की वजह से। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर परफेक्शनिस्ट खान ने अपने करियर में काफी सारे मिस्टेक्स की हैं, जिसका फायदा उन सभी अभिनेताओं ने उठाया है और बन गए बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेताओं से रूबरू करवाने वाले हैं जो आमिर खान की गलतियों की वजह से इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो अभिनेता। नंबर वन, सैफ अली खान। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान आज सुपरस्टार के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। आज अगर ये एक सुपरस्टार बन पाए हैं तो इसके पीछे की वजह आमिर खान ही है। दरअसल सैफ अली खान ने जो फिल्में की थी कॉकटेल, वो पहले आमिर खान को ऑफर की गई थी, पर आमिर खान ने अपने बिजी शेड्यूल के कारण इस फिल्म को ठुकरा दिया, जिसके बाद इस फिल्म के लिए सैफ अली खान को फाइनल किया गया और उनकी दमदार प्रदर्शन से ये फिल्म हिट साबित हुई, साथ ही वो एक सुपरस्टार बन गए। नंबर टू, अक्षय कुमार। वर्तमान में अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री पर सुपरस्टार बनकर कोई राज कर रहा है तो वो है अक्षय कुमार, पर आज ये भी आमिर खान की वजह से ही सुपरस्टार बने हैं। दरअसल अक्षय की फिल्म हॉलीडे और आमिर खान की फिल्म पीके एक ही महीने में रिलीज हो रही थी, पर अगर दोनों की फिल्में एक साथ रिलीज होती तो अक्षय की फिल्म को घाटा होता, इसलिए आमिर खान ने अक्षय के कहने पर फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी, जिससे दोनों का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश नहीं हो पाया। इस तरह अक्षय की फिल्म हिट हुई और फिल्म हिट होने से अक्षय कुमार को इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार की पहचान हासिल हो गई। नंबर थ्री, अजय देवगन। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन बड़े सुपरस्टार हैं। उसके पीछे आमिर खान की ही एक भूल है। दरअसल अजय देवगन ने जो फिल्म की थी होगी प्यार की जीत, उसके लिए सबसे पहले आमिर खान फाइनल हो चुके थे, पर अजय देवगन को इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी लगी थी, इसलिए वो इस फिल्म को करना चाहते थे, क्योंकि इन दिनों ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तो आमिर ने बिना सोचे समझे ये फिल्म अजय के नाम कर दी, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी इस गलती की वजह से अजय देवगन एक सुपरस्टार बन जाएंगे। नंबर फोर, शाहरुख खान। जब भी बात होती है बॉलीवुड के सुपरस्टार की तो उसमें अभिनेता शाहरुख खान का नाम भी जरूर शामिल होता है, जिन्होंने रोमांटिक अंदाज से लाखों लोगों के दिलों को धड़काया है। पर आज ये अगर सुपरस्टार बन पाए हैं तो उसके पीछे का कारण भी आमिर खान है। दरअसल शाहरुख खान द्वारा की गई फिल्म डुप्लीकेट में आमिर खान को मेन रोल के लिए कास्ट किया गया था, जिसमें काजोल भी थी और वो काजोल के साथ पहली बार फिल्म कर रहे थे। शाहरुख काजोल के साथ पहले भी फिल्में कर चुके थे, इसलिए इनसे आमिर ने काजोल के बारे में पूछा तो शाहरुख ने जवाब दिया कि काजोल अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, उनके साथ तुम काम नहीं कर पाओगे। इनके इस बात को सुनकर आमिर ने इस फिल्म को छोड़ दिया, पर उनके इस फिल्म को छोड़ने के बाद शाहरुख ने इस फिल्म को हंसते हुए स्वीकार कर लिया और आगे सब इतिहास है। नंबर फाइव, बॉबी देओल। देओल परिवार के बेटे बॉबी देओल बेशक अपने शुरुआती करियर में अच्छा ना कर पाए हों, पर आज अपनी कड़ी मेहनत के चलते इंडस्ट्री में इनकी पहचान एक सुपरस्टार की बन गई है। लेकिन इनके सुपरस्टार बनने में जितनी इनकी मेहनत है उतनी ही आमिर खान की भूल भी। दरअसल आमिर की बॉबी के भाई सनी से फाइट चल रही थी, उस दौरान आमिर को बॉबी के साथ एक फिल्म ऑफर की गई, पर आमिर ने अपनी दुश्मनी के चलते इस फिल्म को ठुकरा दिया, जिसके चलते बॉबी ने उस फिल्म में अकेले ही काम किया। फिल्म में बॉबी का प्रदर्शन इतना अच्छा था कि फिल्म में अकेले एक्टर होने के बावजूद भी फिल्म काफी हिट हुई और इनके इसी अच्छे प्रदर्शन के चलते इन्हें बॉलीवुड में एक सुपरस्टार की पहचान मिल गई और वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि बिच्छू थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर आमिर खान इतनी सारी भूल ना करते तो हमें इतने सारे सुपरस्टार मिल पाते या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।